और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। वैसे भी लेट से ही उठती हूँ, मेरा तो रूटीन हो गया है लेट से उठने का। अच्छा लगता है, मज़ा आता है क्योंकि ठंडी आ चुकी है तो रजाई में सोने में बहुत मज़ा आता है, उठने का मन ही नहीं करता। उठ भी जाती हूँ तो रजाई के अंदर ही रहती हूँ। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो गाइस, अभी मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई है, देखो कैसा लग रहा है बताना जरूर। बहुत ठंड लग रही है क्योंकि ठंडी का टाइम है ना। मैं अभी मतलब पेज पे लगाती हूँ, बट मेरा मन हो रहा था हाथ पे लगाने का, तो मैं इतना सा लगाई हूँ। बहुत ठंड लग रही है। ये देखो, यहाँ खिचड़ी खाया जा रहा है इतना सारा ऐसा इनका कहना है। नहीं, मैं नज़र नहीं लगा रही हूँ, नज़र नहीं लगा रही हूँ भैया। तो ये खिचड़ी खा रहे, देखो कितना धुआं धुआं निकल रहा है भैया। ऐसे ही खा लेंगे तो जान जाएंगे ना भाई, मर जाएंगे। मर जाएंगे, बाप रे कितना खतरनाक धुआं निकल रहा है देखिए। और आज अभी ये जा रहे हैं वाले घर पे लाइट वगैरह लगवाने, अभी कुछ कुछ लाइट लगाना है। और वो बहुत सही लग रहा था, लाइट देखी थी वो। ऐसे यहाँ पे मैं काढ़ा बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गला खराब हो चुका है, और मेरा भी हो गया है, भैया का भी हो रहा है, दीदी का भी हो रहा है। ब्लैक पेपर और ये अदरक ली हूँ, ये भी डालूंगी इसमें। तो मैं ना दीदी के लिए भी काढ़ा बना रही थी, बट अचानक से मुझे याद आया कि ये व्रत है, ये देखो, तो ये नहीं पी सकती, तो इसलिए मेरे लिए और भैया के लिए दो तीन कप मैं पीऊँगी। यार बहुत हालत ख़राब हो रहा है, अभी तो अभी स्टार्टिंग है, अभी हो, अभी तो एक दो दिन में और गंदा वाला होगा, सर्दी के काम गला गड़ेगा। हुआ था इनका लैपटॉप ख़राब। कितना खर्चा बजट आया लैपटॉप बनाने में? नहीं है, ऐसे नॉर्मली अगर बाहर लेके चलते हैं ना, अगर बिना वारंटी के रहता तो कम से कम 3,000 रुपये लगता है, क्योंकि कैमरा, टच पैड और की पैड सब खराब हो गया। तो मैंने तो लड़के का छोड़ी दो, 4 घंटा जो तो विजिटिंग चार्ज लिया था ना, सिर्फ विजिटिंग चार्ज भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। नहीं, कंपनी तरफ से आया था ना, तो कंपनी तरफ से आया था तो फ्री में। तो आप बोले थे कल 32,000, अरे 100 लगेगा। अगर मैं अपने लिए बोला, एक्सटर्नल सामान लगवाना था अलग से दे के मंग। ओके, तो इनका मस्त 2-3 घंटे में लगा लैपटॉप बनने में, बन गया अभी, स्मूथ चल रहा है, काफी चल रहा है, अच्छे से ना। वो तो पहले भी ऐसे ही चलता था। तो प्रॉब्लम क्या था आपको? प्रॉब्लम ये तो सही हो गया ना, टच पैड और कीबोर्ड, वो तो पहले भी ठीक था ऐसे ही। हम तो खराब क्या था? कभी भी लैपटॉप लो ना, कम से कम 40-50 के रेंज में लो, उससे नीचे ना बिल्कुल भी नहीं, 50,000 तक का। तब क्या, ये इलेक्ट्रिक चीजें ना अच्छा लेना चाहिए। बहुत ठंड लगेगा इसमें, अभी देखो ब्लैंकेट के अंदर घुसी पड़ी हूं, सो रही हूं, मस्त निकलने का मन नहीं कर रहा, बट मैं जा। तो मेहंदी डिजाइन मैंने आज बनाया, तो आप देखकर बताओ कैसा बना है। तो प्रैक्टिस चल रही है मेरी कंटिन्यू, बीच में छोड़ दिया था मैंने, मेहंदी लाना था तो ला ही नहीं पा रही थी मैं। तो अभी ये देखो कैसा बना है डिज़ाइन, बताना जरूर। चलिए, जा रही है मेकअप कराने, जिंदगी में पहली बार अपना लहंगा लेकर पहली बार मेकअप कराएंगे, हील पहनकर लहंगा लेकर हाथ में निकलते हैं मेकअप। फर्स्ट टाइम ही अपने लाइफ में मेकअप कराएंगे, देखते हैं मेकअप कैसा होता है। मैं हूँ बाल में ऑयल लगाई हूँ, बाहर निकल गई वरना निकलती नहीं हूँ जल्दी। और यहाँ पे ये देखो हील पहन के निकल रही हूँ मैं, इनसे कितनी छोटी हो गई है। एकदम ऑयल लगाई हूँ बाल में, एकदम चिकनी चिकनी अजीब सी लग रही। रेडी हो गई, अभी ये तो पहनना नहीं है ना, अभी मेकअप होने के बाद देख लो बिफोर लुक कैसी चंडाल दिख रही है। सो गाइस, हम पार्लर आ चुके हैं और यहाँ पे दीदी ट्रांजेक्शन के लिए अपना फेस कवर कर रही थी, तो मैं ना पूरा क्लिप ली थी बट गलती से डिलीट हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पूरा वीडियो बनाया था मेकअप का, मेकअप हो चुका है तो दीदी को थोड़ा मतलब मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो और दीदी ने बोला था अगर मेकअप अच्छा होगा तो मैं दोबारा करवाऊंगी, अगर मेकअप अच्छा नहीं होगा तो मैं कभी नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट अपनी शादी में कराऊंगी। तो वैसा ही हो गया इनके साथ, तो अभी अपने डायरेक्ट शादी में ही कराने वाले, अब कभी नहीं कराएंगी ये। बाकी बताना आपको कैसा लगा, और थोड़ा बहुत क्लिप था तो मैंने ऐड कर दिया। और ये रेडी हो चुकी है, रेडी होकर बताना आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बिल्कुल चुड़ैल लग रही है, सॉरी मजाक कर रही थी। और वीडियो काफ़ी छोटा है क्योंकि ज़्यादा क्लिप मुझे मिल नहीं पाया, तो काफ़ी छोटा है। और इन लोग दीदी को जाना था शादी में, तो दीदी शादी में चली गई और मैं तो गई थी। कैसा लगा बताना जरूर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।